हेलो एंड वेलकम गाइस, न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आज हमें शिमला में शिमला के जाखू टेंपल में आप देख सकते हैं हम यहाँ चढ़ाई कर रहे हैं। ये देखिए बिल्कुल हिल के टॉप पर है मंदिर, जो माल रोड से 108 फीट ऊंची मूर्ति दिखती है हनुमान जी की, बस वहीं पर ये मंदिर बना हुआ है। आप देख सकते हैं श्रद्धालुओं की भीड़ आ रही है नीचे से महावीर बजरंगबली का नाम लेते हुए, और ये जो लोग हैं दर्शन करके वापस आ रहे हैं, और ये मेरा भांजा है मेरे साथ मानिक, कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है चढ़ाई करने में, कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। बोल बजरंगबली की जय। आ गया टेंपल, टेंपल के हम लोग नजदीक पहुंच चुके हैं, और मेरी फैमिली अभी भी पीछे ही रह गई है, नजर भी नहीं आ रहा किधर है। सबसे आगे मैं और मानिक ही है, बिल्कुल हम मंदिर के नजदीक पहुंच गए। चलिए अब हम मंदिर में एंट्री करते हैं और फिर आपको मंदिर के दर्शन कराते हैं। चले मानिक। सो गाइस, ये है मंदिर का मेन एंट्रेंस, यहीं से अभी हम अंदर जाने वाले हैं, बस फैमिली का वेट कर रहे हैं। इधर खाने पीने की व्यवस्था है मंदिर के बाहर, और उसी के ठीक सामने है सिद्ध श्री बाबा बालकनाथ मंदिर। आप जाखू टेंपल के बाद यहाँ का भी दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम ऊपर चलते हैं। अष्ट सिद्धि नवनिधि गे दाता अस्वरदीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे बासा सदा रहो रघुपति के दासा राम। सो फ्रेंड्स, फाइनली इतनी चढ़ाई करने के बाद हम पहुंच गए, और ये रहे हमारे 108 फीट के बजरंगबली। ये देखिए जय बोलो हनुमान की राम। ये यहाँ टेंपल है जहाँ बजरंगबली की खड़ाव रखी हुई है, और ये हमारे बजरंगबली। इस मंदिर के बारे में कहते हैं जब ये यहाँ बजरंगबली संजीवनी बूटी का पर्वत उठाकर ले जा रहे थे, तो उधर इस पर्वत पे उन्होंने आकर विश्राम करा था, और यही पर फिर उनका मंदिर बनाया गया। सो फ्रेंड्स, हमने हनुमान जी के दर्शन कर लिए मंदिर में। मंदिर में फ़ोन अलाउ नहीं था, इस वजह से अंदर की रिकॉर्डिंग नहीं कर पाए, और अब हम बाहर आ गए। ये देखिए ऐसे हनुमान जी की मूर्ति कितनी खूबसूरत लग रही है। इसके आगे सभी लोग फोटो ले रहे हैं, और ये सनसेट। इसके नीचे बच्चों के लिए पार्क भी बना हुआ है, कितना खूबसूरत नजारा है यहाँ का। रघुपति के दास राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की राम। जानकी जय बोलो हनुमान।